नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स। तो उसके लिए आपके पास एनुअल 2006 में आया हुआ क्लासिफाई द ब्रेस्ट ट्यूमर्स। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि अगर हमें बनाने के लिए आ जाती है तो हमने कैसे लिखना है। इसको बुक कॉपी पे नोट कर लें कि इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा को, टू क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा ऐसे लिखेंगे, डक्टल कार्सिनोमा, और दूसरा लिखेंगे लोब्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे कि डक्टल कार्सिनोमा को आगे से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा को आगे से हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, डक्टल कार्सिनोमा इन सी टू, डक्टल कार्सिनोमा इन सी टू, और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। इसी तरह जो लोब्युलर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे लोब्युलर कार्सिनोमा इन सी टू एंड लोब्युलर डक्टल कार्सिनोमा, सॉरी इन्वेसिव लोब्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। तो इस तरह से इन सीटू हो जाएगा और इन्वेजिव हो जाएगा दोनों, इस तरह से, ठीक हो गया। ये मैंने तो ऐसे अलग से पेज पे बना लिया था कि इजीली लर्न हो जाए ना। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो आगे से होता है ना, इसके आगे से कोई टाइप्स नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो होता है ना, ये दो तरह से होता है, एक होता है कोमेडो, कोमेडो टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कोमेडो, ठीक है, नॉन कोमेडो, ये हो गया। और इधर से जो है ना इन्वेसिव डक्टल के आगे से टाइप्स हैं। अब जो कोमेडो होता है ना, इसके आगे से कोई टाइप्स नहीं है, नॉन कोमेडो की आगे से टाइप है, जो कि क्या है, वी हैव द क्रिब्री फॉर्म, ठीक है, क्रिब्री फॉर्म, क्रिब्री फॉर्म, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड, और माइक्रोपेपिलरी, माइक्रोपेपिलरी और पेपिलरी, ठीक है, माइक्रोपेपिलरी और एक अलग से पेपिलरी है, ठीक हो गया। और इधर से जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की है, इसकी आगे से टाइप्स हैं चार, ठीक है, क्या टाइप्स हैं, सबसे पहली है वी हैव द ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर होती है, और होती है मेड्यूलरी, ठीक है, मेड्यूलरी, और होती है म्यूसिनस, ठीक है, म्यूसिनस, और होती है इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। बस इतनी सी टाइप्स हैं डक्टल कार्सिनोमा और लोब्युलर कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा इन सी टू, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, लोब्युलर कार्सिनोमा इन सी टू, इन्वेसिव लोब्युलर कार्सिनोमा, ये तो मैं हराब कर देती हूँ हर दफ़ा। अच्छा, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू आगे से कोमेडो, नॉन कोमेडो, नॉन कोमेडो आगे से चार हैं, क्रिब्रीफॉर्म, सॉलिड, माइक्रोपेपिलरी, पेपिलरी, ठीक है। फिर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा आगे से चार हैं, क्या, ट्यूबुलर, मेड्यूलरी, म्यूसिनस, इन्फ्लेमेटरी। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्लासीफाई द ब्रेस्ट ट्यूमर्स, तो आपने इस तरह से क्लासीफाई कर देना है। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं सबकी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा ना हम पिक्चर से देख लेते हैं, फिर हम बुक से देखते हैं, ठीक है। अब देखें, डक्ट होती है ना, और उसके बाद इस तरह से लोब्यूल होते हैं अंदर, और यहाँ पे करके निप्पल होता है इस तरह करके। अब डक्ट की बात करें कि वैसे नॉर्मल होती है, लेकिन उसके अंदर अगर कैंसर सेल्स हुए इनसाइड डक्ट, क्या हो जाए, फैलना शुरू कर दें इस तरह से, फिर वो अगर डक्ट से बाहर आ जाएँ तो इन्वेड कर जाएंगे ना। तो इसी तरह डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है, और जब ये इस तरह से क्रॉस कर जाता है उसको, तो पैर क्या होगा कि वो इन्वेसिव कैंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है, ठीक हो गया। वेरियस स्टेजेस उन्होंने दिखाई हुई है कि दिस इज़ एक्चुअली द लोब्यूल्स हैं, इधर को डक्ट है, वो डक्ट में पहले नॉर्मल है, फिर हाइपरप्लेसिया हुआ है, फिर एटिपिकल हो गए हैं, फिर कार्सिनोमा इन सीटू हो गया, मतलब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू हो गया, और फिर वाइस ऐसा इन्वेसिव हो गया। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की हमने जो है कौन कौन सी टाइप्स देखी हैं, याद है आपको, कोमेडो, नॉन कोमेडो, ठीक है। अब कोमेडो और नॉन कोमेडो के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं। कोमेडो ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें कोमेडो के नाम से आपको पता चलता है कि कोई भी चीज़ ना, जैसे हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ना, उनको भी हम कोमेडोज कहते हैं, इस तरह के नाम देते हैं उनको, क्योंकि उसमें एग्रीगेशन हो जाती है, इस तरह से एक जगह जमा हो जाती है कोई चीज़ ना, ब्लैक टाइप, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोमेडो, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दरमियान में हमारे नेक्रोटिक सारा डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से इसका नाम जो है कोमेडो टाइप होता है, ठीक है। तो जिसमें हाई ग्रेड सेल्स होते हैं और दरमियान में हमारी नेक्रोसिस होती है और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमें सेंटर में नज़र आ रही होती है, तो जैसे ही हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम कह देते हैं कि ये कोमेडो टाइप है, किसकी, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की, ठीक है। और जैसे ही हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती तो हम उसको दूसरी कैटेगरी में ले जाते हैं, नॉन कोमेडो में, ठीक है। नॉन कोमेडो में फिर जब हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आएँ कि ये ट्यूमर सेल्स हो और उनके दरमियान में इस तरह जो है क्रिब्री फॉर्म जगह, क्रिब्री फॉर्म आपको पता है ना, वो जैसे हमारी छलनी होती है वो फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जब हम बुनते हैं चाय को वगैरह, उसके अंदर इस तरह होल्स होते हैं, इसी तरह ना इसके अंदर कैंसर इर्द गिर्द ट्यूमर सेल्स होते हैं, दरमियान में होल्स होते हैं, माइक्रोसिस्ट होते हैं। इस तरह की जब अपेयरेंस आ जाएगी ना हमारी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की नॉन कोमेडो में, तो वो आ जाएगा हमारा क्रिब्री फॉर्म, ठीक हो गया। और अगर ये बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं है, मतलब कि पूरे के पूरे बस ट्यूमर सेल्स ही हैं ना, ना दरमियान में नेक्रोटिक मैस है ना कुछ है, तो इसको हम कह देंगे कि सॉलिड है, ठीक है। और अगर हमें
ये मिलते हैं कि इसके अंदर हमें पपिल्ले मिलेंगे छोटे छोटे, तो उसको कहते हैं कि माइक्रो पपिलरी। और अगर उसके अंदर बड़े बड़े पपिलरे मिलेंगे तो उसको हम पपिलरी मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे पपिलरी कार्सिनो। देखें यहाँ पे भी देख लें, कोमीडो में क्या है, सेंट्रल सारा नेक्रोटिक मैस है, क्रिबरी फॉर्म में होल्स बने हुए हैं, सॉलिड में कोई होल नहीं है, जमा सारा कुछ ऐसे ही है। माइक्रो पपिलरी में छोटे छोटे पपिले मिलेंगे, पपिलरी में आपको बड़े बड़े पपिलरे मिलेंगे और फिर मिक्सड पपिले बनेंगे और फिर मिक्सड होते हैं जिसमें हमें कोमीडो भी मिल रहा होता है और सारा कुछ मिक्स हुआ होता है सारा कुछ। इस तरह की ये जो हमारे आती हैं टाइप किसकी, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की टाइप्स हैं, ठीक हो गया। फिर जो हमारी दूसरी आती है इनवेसिव टाइप की, उनकी थोड़ी सी फिगर्स देख लेते हैं वो हमें कैसे नज़र आते हैं। तो हमने देखा था ना कि उसमें कौन सी होती है जो इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, उसमें कौन सी थी, ट्यूबुलर थी, ठीक है, मेड्यूलरी थी, और क्या थी, और म्यूसिनस थी, और क्या थी, इन्फ्लेमेटरी थी, यही थी ना। इसमें आपको देखें ट्यूबुलर में क्या नज़र आ रहे हैं, ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इनकी क्या होती है, जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं ना अंदर वाले, वो नहीं इसमें नज़र आ रहे होते, तो सिंपल ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हमें कैंसर नज़र आएगा जो है इनवेसिव वाला, तो हम कह देंगे कि ये ट्यूबुलर कार्सिनोमा इन सीटू है, ट्यूबुलर कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की टाइप, और ये इसका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। दूसरी होती है ये म्यूसिनस कार्सिनोमा, इसमें देखें ये ट्यूमर सेल्स इस तरह से जमा हुए होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। स्विमिंग किस में कर रहे होते हैं, ये नहीं कहना है स्विमिंग करने, बस ये मैं बता रही हूँ कि ये म्यूसिन म्यूसिन है, इर्द गिर्द सारा म्यूसिन जमा हुआ होता है, उसके अंदर जो है ना तैर रहे होते हैं ये, मीन्स इसलिए इसको म्यूसिनस कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। ट्यूमर सेल्स आर फ्लोटिंग इन द म्यूकस पूल, तो इसको कहेंगे म्यूसिनस कार्सिनोमा, सिंपल सी बात है। और इसका जो है ना प्रोग्नोसिस इतना जो है वो अच्छा होता है, मतलब इसका भी अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, ट्यूबुलर का भी अच्छा प्रोग्नोसिस था, इसका भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रोग्नोसिस है। लेकिन ये जो म्यूसिनस वाला होता है ना, ये थोड़ा सा ओल्डर वुमेन में जाके होता है, ओल्डर वुमेन में जाके होता है, ठीक है, म्यूसिनस। फिर थर्ड आ जाता है मेड्यूलरी कार्सिनोमा। मेड्यूलरी कार्सिनोमा की करेक्टरिस्टिक चीज़ हमें ये मिलती है कि इसमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, हाई ग्रेड सेल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। इस तरह के सेल्स हमें लार्ज हाई ग्रेड सेल्स मिलते हैं, लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं, और इनका भी जो है अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। और इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें बर्सा वन की म्यूटेशन आती है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, एम सी क्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेड्यूलरी कार्सिनोमा में बर्सा वन की म्यूटेशन आती है, याद है बर्सा वन आपको खतरनाक वाला वो है, लेकिन इसका गुड प्रोग्नोसिस है क्योंकि ये ना इनकी कुछ, ये मैं अभी दिखाती हूँ बाकी इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी होता है, इसका सबसे गंदा प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। इसमें ना हमारे जो लिम्फेटिक्स होते हैं ना, वहाँ तक कार्सिनोमा चला जाता है और इसका प्रोग्नोसिस जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी टाइप है ये, ठीक है। और जो है इसमें ये ना ऐसे लग रहा होता है, मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, इस तरह से ना ऐसे लग रहा होता है जैसे इन्फ्लेमेशन टाइप लग रही है ना ब्रेस्ट के ऊपर, तो इस वजह से इसका नाम इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा होता है, ठीक है। और इन्फ्लेम्ड स्वॉलन ब्रेस्ट होती है इसमें, क्योंकि ट्यूमर सेल्स हमारे जो लिम्फेटिक्स होते हैं उनको ब्लॉक कर जाते हैं, कोई हमें मैस नहीं मिलता, बस ब्रेस्ट पे ऐसे लगता है जैसे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। एक एक्यूट मैस्टाइटिस होता है केस, एक्यूट मैस्टाइटिस होता है कि जिसमें ना ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नॉर्मली नॉर्मली वो होती है, मतलब कि एक्यूट मैस्टाइटिस में होता क्या है, जब जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना बच्चा, तो उस दौरान ना क्या होता है कि वो अंदर थोड़े से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं ब्रेस्ट की फीडिंग के दौरान, उस दौरान क्या होता है उन क्रैक्स के थ्रू अंदर चला जाता है बैक्टीरियल स्टैफिलोकोकस ऑरियस, और वो जाके ना इस तरह की ब्रेस्ट बना देता है। उसमें ना निप्पल डिस्चार्ज भी हो रहा होता है पुरलेंट किस्म का, और एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है। उसमें हम ये होता है कि वो कोई कैंसर तो नहीं होता ना एक्यूट मैस्टाइटिस, उसको हम मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट कर लेते हैं और जो पस वगैरह होती है उसको ड्रेन कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ना इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है, तो ये ऐसे ही लग रहा होता है जैसे ना ये एक्यूट मैस्टाइटिस हुआ हुआ है, कैंसर लगता ही नहीं है, कोई मैस भी नहीं बनाता, ठीक है। तो ये बात होती है, तो ये थोड़े से इनकी पिक्चर्स थी, मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। पहले उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो ब्रेस्ट कार्सिनोमाज होते हैं ना वो 95% केसेस में क्या होते हैं, एडिनो कार्सिनोमाज होते हैं। और कार्सिनोमा इन सीटू का तो आपको पता है मैंने कि वो जो अंदर एपिथेलियल सेल्स अंदर ही रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं। और इनकी ना रिजेंबलेंस उस तरह से और ही होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू हम कहते हैं कि रिजेंबलेंस टू द इन्वॉल्व स्पेसेस, मतलब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू इस तरह से कहते हैं कि वो डक्ट्स की तरह रिजेंबल कर रहे होते हैं। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू इस तरह कहते हैं कि वो लोब्यूल से रिजेंबल कर रहे होते हैं, तो उनकी बेसिस पे हम इनको कार्सिनोमा इन सीटू डक्टल या लोब्यूलर कहते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपली ये कि कार्सिनोमा इन सीटू में हम क्या कहते हैं कि वो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे डक्ट्स या लोब्यूल्स के अंदर तक रहते हैं, ठीक है, उनको हम कार्सिनोमा इन सीटू डक्टल या लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। यही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कोमीडो हो सकते हैं, नॉन कोमीडो हो सकते हैं। कोमीडो में मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, कि इस तरह से हमारे दरमियान में जो है सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं ना वो हाई ग्रेड न्यूक्लियाई वाले होते हैं, हाई ग्रेड न्यूक्लियाई वाले प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पड़े होते हैं।
तो इस तरह की जो पैटर्न को ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, कॉमीडो टाइप, ठीक है। और नॉन कॉमीडो में क्या होगा, इस तरह के सेल्स भी नहीं होंगे, हाई ग्रेड न्यूक्लियाई वाले, और सेंट्रल नेक्रोसिस भी नहीं होगी, ठीक है। और इन जो इसमें हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कटर लाइक स्पेसिस एक्चुअली वो कह रहे हैं क्रिबरी फॉर्म को, जिसमें उन्होंने दिखाया था ना क्रिबरी फॉर्म स्पेसिस थी और उनके दरमियान में ट्यूमर सेल्स थे, ठीक है, पिंक कलर के ट्यूमर सेल्स। तो ये जो स्पेसिस वाले हैं ना, ये इस तरह से कुकी कटर लाइक स्पेसिस होती हैं। ये आप एमसीक्यू के लिए याद रख लेंगे, क्रिबरी फॉर्म में कुकी कटर लाइक स्पेसिस होती हैं। फिर वो यही बता रहे हैं कि कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सॉलिड पैटर्न रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रो पेपिलरी होते हैं, पेपिलरी वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रू पेपिलरी वाले होते हैं, जिनको हम पेपिलरी कह देते हैं। माइक्रो पेपिलरी में एक्चुअली क्या होता है कि फाइब्रोवैस्कुलर कोर नहीं होता। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो पेपिलरी एंड पेपिलरी, कि माइक्रो पेपिलरी में कोई फाइब्रोवैस्कुलर कोर नहीं होता, जिसमें फाइबर्स और वेसल्स होती हैं, वो वाला कोर नहीं होता। और अगर वो कोर हो तो उसको हम कहते हैं कि वो पेपिलरी वाला है, ठीक है, जिसके अंदर फाइब्रोवैस्कुलर कोर्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं वो, और दैट लैक अ मायोएपिथेलियल सेल लेयर। और कैल्सिफिकेशंस भी हमें जो है वो नॉन कमीटो में नजर आ सकती हैं, इन एसोसिएशन विद द फोकल नेक्रोसिस और द इंट्राल्यूमिनर सेक्रीशन, मतलब कैल्सिफिकेशंस नजर आ सकती हैं सिंपली। अब ये देखें, इन्होंने ये जो बनाया हुआ है, कौन सी टाइप होगी नॉन कमीटो की, क्रिबरी फॉर्म, जिसमें आपको ये सिस्टिक स्पेसिस नजर आ रही हैं, और ये कौन सी होगी जिसमें छोटे छोटे पिपिले हैं और कोई फाइब्रोवैस्कुलर कोर नहीं है, दिस इज अ माइक्रो पिपिलरी फॉर्म, ठीक हो गया। तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें ना कोई बाहर हमें मैस फील नहीं होता, जैसे फाइब्रोएडिनोमा का मैस था, पेल्पेबल था, मूव कर रहा था, उस तरह का कोई हमें डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में कोई मैस फील नहीं होता। ये जो कोमीडो नॉन कोमीडो होते हैं छुपे हुए होते हैं अंदर, हम मेमोग्राफी करते हैं फिर नजर आते हैं, अदरवाइज कोई कुछ भी नजर आता, कैल्सिफिकेशन मेमोग्राफी पर ही नजर आ रही होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इन्वेसिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो ट्यूबुलर की पहले बात करते हैं, जो हमने सबसे पहले देखा था, सीक्वेंस वाइज देखते हैं। तो ट्यूबुलर कार्सिनोमा देखें, वेल फॉर्म्ड ट्यूब्यूल्स हैं इसमें, जो मैंने आपको दिखाई थी, क्रिबरी फॉर्म प्लेट पैटर्न भी हमें इसमें कभी कभार नजर आ सकता है ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स के साथ। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कैल्सिफिकेशंस में भी प्रेजेंट विद इन द ल्यूमेंस, और ये होता है कि कभी कभार ये मतलब सारा ये लिखा हुआ है, बस ये कि वेल फॉर्म्ड इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। और फिर हमने म्यूसनेस की बात की थी, जिसमें क्या था, कार्सिनोमा में सॉफ्ट और रबड़ी था और उसकी कंसिस्टेंसी थी, और इसके साथ साथ क्या था, पेल ग्रे ब्लू जिलेटिन, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स और स्मॉल आइलैंड्स होते हैं सेल्स के विद इन द लेक्स ऑफ म्यूसिन, वो याद है आपको पिक्चर, तो वही आपने याद रखनी है बस। और इसके अलावा ये जो मेड्यूलरी होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बर्सा वन की म्यूटेशन होती है, और इसमें होता तो ये बर्सा वन की है, लेकिन ये इसका गुड प्रोग्नोसिस क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना कि इसके अंदर कितने ज़्यादा लिम्फोसाइट्स थे, तो वो कहते हैं इसी वजह से, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स की वजह से जो है ये लोग जो हैं इनकी गुड प्रोग्नोसिस होती है इस ट्यूमर की, और ये कीमोथेरेपी को भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। होती इसमें बर्सा वन की म्यूटेशन है, मतलब कि दोनों हमारे जो है ER नेगेटिव होते हैं और HER2 नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, लेकिन ये होता है कि ये कीमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो लोब्यूलर है, इसकी बात करते हैं, माइक्रो पेपिलरी में क्या था कि ये वही वाला माइक्रो पेपिलरी वाला कौन सा था जो नॉन कोमीडो टाइप में आ रहा था ना, तो उसमें बता रहे हैं कि सेल्स एक दूसरे के साथ एडहेरेंट तो होते हैं, उनके अंदर ई की एडहेरेंट तो होती है, लेकिन उनके अंदर एडहेरेंट टू द स्ट्रोमा जो है वो नहीं हो रही होती, तो ये थोड़ी सी बात थी जिसकी वजह से वो कार्सिनोमा इन सीटू होते हैं। और फिर जो है अब ये आपका UQ आया हुआ है मेड्यूलरी कार्सिनोमा की ना, इन्होंने पूछी हुई है क्या मॉर्फोलॉजी, तो ये होता है कि इसमें सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जो इन्वेसिव कार्सिनोमास होते हैं ना, मैंने आपको बताया था जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है उसका कोई मैस नहीं बनता, ठीक है, लेकिन जो इन्वेसिव कार्सिनोमास होते हैं उनका मैस बनता है 2 सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा मैस इसका जो है ना पैल्पेबल मैस बनता होता है। अब ये जो होते हैं ना, इनका डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है, एक कि इनका जो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, आपको पता होगा कि स्ट्रोमा जो होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हार्ड फील होते हैं ये, ठीक है, हार्ड फील होते हैं, तो इस वजह से ना इनका ये करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है ये इन्वेसिव कार्सिनोमास की। मेड्यूलरीज कार्सिनोमास जो है ना, इनको मेड्यूली इसलिए कहा जाता है कि इसका मेड्यूला आपको क्या होता है, इसका मतलब होता है मैरो, जैसे मैरो होती है ना हमारी बोन मैरो, वो सॉफ्ट सी होती है, इस तरह से ना इसका ये सॉफ्ट सा होता है, इसमें जो है ना मिनिमल डेस्मोप्लेसिया होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। और ये हमें वेल सर्कमस्क्राइब मिलता है, मैंने आपको बताया अगर हम इसकी ग्रॉस देखें तो। और इसके अलावा ये होता है कि इसमें आपने लिखना होता है कि इसमें जो मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी कि बहुत बड़े बड़े इस तरह के अजीब किस्म के सेल्स थे, ठीक है, और वो क्या थे, शीट्स की फॉर्म में अरेंज थे, ठीक है, सॉलिड सिंस्टियम लाइक शीट्स ऑफ लार्ज सेल्स, और उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अजीब शेप के हैं, प्लियोमॉर्फिक शेप के न्यूक्लियस हैं, ठीक है, और उनके जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस उनका जो प्रोमिनेंट ऐसे करके नज़र आ रहा था।
आ रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि माइटोटिक फिगर्स होते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा वो लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट मैंने आपको दिखाया था कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से होती तो इनके अंदर बर्सावान की म्यूटेशन है, लेकिन इन लिम्फोसाइट्स की वजह से जब हम कीमोथेरेपी करते हैं तो ये ट्रीट हो जाते हैं कैंसर्स, ठीक है। और नॉन इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर होता है, तो यही आपने इसमें लिखना होता है। और इन्फ्लेमेटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये मिमिक कर रहा होता है टू द हमारा जो एक्यूट मैस्टाइटिस, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी, मैंने आपको सारी प्रेस दिखाई थी ना, उसमें एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी हुआ होता है। लिम्फेटिक चैनल्स में हमारे जो सेल्स होते हैं वो घुस गए होते हैं, प्रोलिफरेट करके होते हैं, इन्वेड करके होते हैं, इस वजह से। तो यही इनकी फिगर्स थी, चीज़ें थी। तो ये हो गई हमारी कौन सी हमारी डक्टल कार्सिनोमाज हो गए, इसमें हमने कौन से डिस्कस कर लिए, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और हमारे इन्वेसिव कार्सिनोमाज। अब ये जो इन्वेसिव कार्सिनोमाज होते हैं लंग्स, ब्रेन, बोन, लिवर में जाते हैं, सबसे ज़्यादा बोन में जाते हैं, ठीक है। फिर आता है लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं। लेकिन डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के बारे में हमने बात की थी कि उसमें ना कोई मैस तो नहीं मिलता, लेकिन मैमोग्राफी पे हमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं। इन्वेसिव जो डक्टल था उसमें हमने देखा था कि उसमें क्या था कि हमें मैस मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू होता है ना, इसमें कोई मैस नहीं मिलता, कोई कैल्सिफिकेशंस नहीं मिलती, इसमें डायरेक्टली हम बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी में हमें नज़र आता है, अदरवाइज कोई कैल्सिफिकेशन मैमोग्राफी पे नहीं नज़र आती। इसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि इनमें ना ई कडहरिन की म्यूटेशन आती है। ई कडहरिन की जब भी म्यूटेशन आएगी तो उससे क्या होगा, सेल्स की एक दूसरे के साथ कोहीजन लॉस हो जाएगी, इसी वजह से ये कार्सिनोमा इन सीटू बन रहा होता है, ठीक है। सेल्स की कोहीजन लॉस हो जाती है, एक दूसरे से अटैचमेंट खत्म हो जाती है ई कडहरिन के लॉस की वजह से। और ये दोनों ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल ये दो ब्रेस्ट हैं तो इनमें बायलेटरल होगा और मल्टीपल होंगे, कोई मैस नहीं होगा, कोई कैल्सिफिकेशंस नहीं होंगी, बायोप्सी में मिलेंगे, इकेटेरेंस की म्यूटेशंस आएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसकी। तो क्लोनल प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की डक्ट्स वगैरह के अंदर, डिसकोहेसिव मैनर में वो करते हैं इकेटेरिन की म्यूटेशन की वजह से। और ये होता है कि ये ना हमारे लोबुलर आर्किटेक्चर जो है ना प्रिजर्व रखते हैं, उस वजह से इनको लोबुलर कहते हैं। बार बार इन्होंने यही कहा है कि CDH1 की म्यूटेशन की वजह से जो है ना इनकी ये हो जाती है, डिसकोहेसिव मैनर में ग्रो करते हैं। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसमें थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि जो ये होते हैं ना लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू के सेल्स, सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, वही बता रही हूँ, यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं। फिर ये होते हैं ओवल टू राउंड होते हैं, ठीक है, ओवल टू राउंड होते हैं। फिर ये म्यूसिन पॉजिटिव होते हैं। सिग्नेट सेल्स होते हैं, सिग्नेट पता है वो ऐसे म्यूसिन होता है और इधर सारे वो हो गया होता है साइड पे न्यूक्लियस, ठीक है, म्यूसिन हुआ होता है और इस तरह से, तो सिग्नेट सेल्स होते हैं, सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। एक दूसरे की इनकी कोहेसिवनेस लॉस हुई होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इडहेरिन। उसके बाद फिर आता है कि पेजोटॉइड स्प्रेड होता है इसका, वो बता रहे हैं कि इन द फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लोब्यूल, तो उसकी होती है सबसे पहले मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं और फिर ल्यूमेन की तरफ ल्यूमिनल सेल्स होते हैं, हमने देखे थे। अब वो बता रहे हैं जो ये वाले सेल्स होंगे ये क्या करेंगे कि पेजोटॉइड स्प्रेड करेंगे, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारी जो ल्यूमिनल सेल्स हैं उनके दरमियान में, ठीक है, क्या करेंगे, स्प्रेड कर रहे होंगे। प्रेजेंस ऑफ द न्यू प्लास्टिक सेल्स बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द ओवरलाइंग ल्यूमिनल सेल्स कॉमनली सीन इन द ब्रेस्ट एज पेजोटॉइड स्प्रेड, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या है ये सेल्स, यूनिफॉर्म है, ओवल है, राउंड इनका न्यूक्लियस है और म्यूसिन पॉजिटिव हैं, सिग्नेट रिंग सेल्स हैं, नो अटैचमेंट टू द सेल्स है और पेजोटॉइड स्प्रेड है। और इसके अलावा ये होता है कि निप्पल की स्किन को ये इन्वॉल्व नहीं करते और इनके अंदर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर भी एक्सप्रेस करे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर भी एक्सप्रेस करे होते हैं, इस वजह से हम ईस्ट्रोजन थेरेपी इनको देते हैं, टेमोक्सिफिन एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं और फॉलो अप करते रहते हैं, ठीक है। और इनकी इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं होता कि ये जो है ना प्रोग्रेस करें टू द बेस से। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन शो करते हैं और इस तरह के होते हैं। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इस तरह का होता है कि अगर हम इनको कट करने की कोशिश करें तो आवाज़ आती है, एक इनमें से ग्रेटिंग साउंड आती है। अगर इन्होंने इन्वेड करना हो, मतलब अब इन्वेसिव की बात कर रहे हैं, तो पीछे ये पेक्टोरेलिस मसल तक चला जाता है, चेस्ट वॉल को जाके फिक्स हो जाता है वहाँ पे, या फिर ये ऊपर की तरफ आएगा स्किन की तरफ, वो डिम्पलिंग ऑफ द स्किन कॉज कर देगा, ऐसे होता है इन्वेसिव में। फर्स्ट हमारा यही रह गया इन्वेसिव कार्सिनोमा लोबुलर, ठीक है। तो उसमें ये तो होता है कि जैसे एक कतार होती है ना, बनाते हैं ये वन आफ्टर द अदर, इसको कहते हैं सिंगल फाइल पैटर्न। तो इसी तरह हमारे जो सेल्स होते हैं ना, ये इसमें जो हमें नज़र आते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में, इन्होंने भी ऐसे अपेयरेंस दी होती है, ठीक है, सिंगल फाइल पैटर्न में ये अरेंज होते हैं इस तरह करके। तो दिस इज़ एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फॉर द इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, ठीक है। ये भी कहीं कहीं वही वाली जो उस तरह की पैटर्न होता है ना, हमने जो डिस्कस किया था सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी, वो भी इसमें करते हैं। और इसमें भी ई कडहेरिन जो है वो लॉस हुई होती है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो डिस्कोहेसिव मैटर में
डिस्कहेसिव सेल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। ट्यूबुलर कार्सिनोमा का जो हमारा रह गया था कि मोस्ट कॉमन फॉर्म्स मोस्ट कॉमनली ये क्या बनाता है, हार्ड नोड्यूलर मैसेस बनाता है टू अदर सिमिलर टू अदर ब्रेस्ट कैंसर्स। और उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि इसमें डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न होता है, मिनिमल डेस्मोप्लेसिया होता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि इन्वेसिव जो होते हैं उनके अंदर डेस्मोप्लेसिया बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रोमा उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, उसकी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनको हम काटते हैं तो वो आवाज़ आती है एक सहद किस्म की ना, तो लेकिन इन्होंने बताया कि जो लोबिलार कार्सिनोमाज है ना इन्वेसिव वाले, उन वो इतने मतलब डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन शो नहीं करते। और हमने देखा था कि जो डक्टल कार्सिनोमा था इन्वेसिव वाला, वो भी उसमें जो मेड्यूलरी वाला था वो भी इतना नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब डेस्मोप्लेसिया, तो इस वजह से हम उसको कह रहे थे कि सॉफ्ट टाइप है, मैरो टाइप है। ठीक है, तो ये वो यही बता रहे हैं। और ये कि ये पैल्पेट भी नहीं होते, और वही मैंने आपको बताया कि इमेजिंग पे भी हमें दिखाई नहीं देते। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमास टू प्रेजेंट एज एक्यूट प्राइमरी। और अच्छा, वैसे जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना वो डक्टल कार्सिनोमा जो होते हैं ना इन्वेसिव वाले, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइमरी जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि हिस्टोलॉजिकल इसका जो हॉलमार्क होता है वही होता है कि डिस्कोहेसिव होते हैं ये, और सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं इसमें, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक म्यूसिन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसी तरह। ठीक हो गया, और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है। और आपने इसमें वो नहीं भूलना, सिंगल फाइल पैटर्न। ठीक है, सिंगल फाइल पैटर्न। और इसके बाद ना हम थोड़ी सी आगे बातें कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो रह गई हैं इसमें से जो यूक्यूज़ में आती होती हैं। ठीक हो गया।